गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र बाकी सब रजैया, और रानी में रानी पद्मावती बाकी सब रनैया। ये यहाँ की माइथोलॉजी है। ये टावर जो आप देख रहे हैं ना, इसे महाराणा प्रताप के भी दादा थे महाराणा कुंभा, उन्होंने इसे बनवाया था। महाराणा कुंभा ने उनके जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन दो मुगल एम्परर ऐसे थे ना जिन्हें दो दो बार हराने की खुशी में इसे बनाया। मध्य प्रदेश में मांडू फोर्ट उसका सुल्तान था महमूद खिलजी, और गुजरात के अंदर अहमदाबाद अहमद शाह, इन दोनों को इसी फोर्ट पर 6-6 महीने कैद रखा और दया खा के रिलीज कर दिया। जब सेकंड बार इन दोनों ने एक साथ हमला करना चाहा, तो महाराणा कुंभा ने कहा आप मेवाड़ में मत आइए, यहाँ आके हार जाएंगे तो मेरे ऊपर ये कलंक लग जाएगा। घर में बुलाया, मारा और हार गए। इंदौर के पास में विशाल मैदान है सारंगपुर, जहाँ इस विशाल सेना को डिफीट दिया। इस विजय को याद रखने के लिए इसे सेलिब्रेट किया गया विजय स्तंभ के रूप में। बनाने के लिए 10 साल का समय लगा, 90 लाख रुपए का खर्चा आया। 122 फीट इसकी हाइट है, 157 स्टेप्स हैं, और भारतीय संस्कृति में जितने देवी देवता माने जाते हैं रामायण महाभारत पुराण में, ये पूरा हिंदू मूर्तियों का विश्वकोश इसमें समाया हुआ है, लेकिन मूर्तियां सभी टूटी हुई हैं बाय मुगल आर्मी। इसका बॉटम आप देखिए, ब्रॉड है, मिड इज नैरो, अगेन इट वाज ब्रॉड बिफोर 1854 से, जब इसका टॉप स्टोरी बेटर देन सेकंड लास्ट से ब्रॉड था, उस समय इसे विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता था। जब हल्का सा क्रेक हो गया लाइटनिंग की वजह से और किसी से भी सेम स्टोरी नहीं बन पाई, तो उसे नैरो कर दिया, और बीच में देखिए नए पत्थर जब इसका रिपेयर करवाया। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंजीनियर के लिए सरप्राइज है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, चूने और सीमेंट को कहीं पर भी यूज नहीं किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण इसकी फाउंडेशन नहीं है, छोटे से चबूतरे पे खड़ा हुआ बड़ा टावर है। जबकि इसके सामने आप एफिल टावर देखिए या कुतुब मीनार देखिए, वो समथिंग लाइट है, क्योंकि उनका बेसमेंट बहुत है और बॉटम ब्रॉड होते हुए फिर नैरो बनते गए। ये ब्रॉड नैरो देन ब्रॉड था उस समय। अब मैं आपको प्रॉपर जौहर स्थल दिखाऊंगा, जहाँ हजारों माताओं ने लगभग 1200 से 1500 डिग्री फॉरेन हाइट में कूद कर अपनी अस्मिता बचाई थी। फिफ्टीन सेंचुरी में यहाँ कोई पावरफुल राजा नहीं थे, उनका नाम था विक्रमादित्य, जो महाराणा प्रताप के रिलेशंस में बड़े पापा लगा करते थे। यहाँ की सामाजिक आर्थिक सैनिक स्थिति सब कमजोर थी। इस कमजोर स्थिति में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। इस बात का पता रानी कर्णावती को चला तो अन्य मिनिस्टर्स को लेटर लिख के बुलाया सेना सहित, लेकिन उनका री आंसर यह था अगर आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो आपकी दहलीज पे पुणे कोई कदम नहीं रखेगा। सो न तो आए न उन्होंने सेना भेजी। यहाँ जो एक बटालियन थी बड़ी बहादुरी से फाइट किया, बट अनफॉर्चुनेटली युद्ध में केसरी एजेंडा झुक गया, तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट था कि हम हार चुके हैं। तो रानी कर्णावती ने सभी माताओं बहनों को पूछा अब हमें क्या करना, तो उनका आंसर क्या था, ये मुगल सेना हाथ लगाना तो दूर, बुरी नजर भी हम पे न डाले उससे पहले अग्नि स्नान के लिए निश्चय करते हैं। अब देखो क्या वर्णन दिया इन किताबों में, मकानों में मोहल्ले में नई शादियों वाली दुल्हनें थी, माताएं बहनें प्रेगनेंसी के अलग अलग पीरियड में थी, कुछ बच्चे मिल्क फीडिंग करने वाले थे, और 5 साल से छोटे बच्चे को ये कह के लाया गया मेला दिखाने का बहाना। ये गार्डन देखिए पूरा लगभग 40-50 फीट गहरा गड्ढा था, इसमें एक विशाल चिता तैयार की गई और 13,000 माताएं अपने बच्चों को साथ लेते हुए आग में जम कर गई थी। ये पूरा जोर स्थल है, शक्ति स्थल है, शमशान घाट है, राजघाट है, जो सामने गेट दिखाई दे रहा ना वह है पूर्वी जोहर गेट, और जहां आप खड़े हैं इसे कहते हैं उत्तरी जोहर गेट, जहां से अंदर प्रवेश करके अपनी अस्मिता बचाती थी। जोहर करने से पहले इस मंदिर में पूजा करने से पहले इसके पीछे होली वाटर पॉन्ड है जहाँ स्नान किया जाता था, 5वीं शताब्दी का बताया था, लेकिन इतिहासकार कहते हैं ये 5,000 साल पुराना है, पांडवों के समय का बना हुआ, जब अज्ञातवास में यहाँ आए थे ना तब से बना हुआ है। अभी आप अपर साइड में जाएंगे ऑटो से बहुत सारे वाटर पॉन्ड आप देखेंगे, उसका पानी इंटरनली आ रहा, जहाँ से आ रहा था किसी शख्स ने 1100 साल पहले पत्थर के ऊपर गाय का माउस बनाया और वहाँ लगा दिया, तभी से इसे कहते हैं गौमुख कुंड। तो इसके लिए कहा जाता कि झरना जरे गौमुख भरे निर्भय नाथ की ठोर, वर्षानुवर्षी तपस्या करे तब को नहीं आवे गढ़ चित्तौड़, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र बाकी सब रजैया,
और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया, ये यहाँ की माइथोलॉजी है। अब देखो इतिहास में महाराणा प्रताप को सबसे छोटे कद का बता रखा है 7.5, तो इनके दादा परदादा इनसे लंबे थे, लेकिन इतिहास में कहीं दर्ज नहीं की हुई वो लंबाई। तो उन्होंने कहा इसके अंदर 1000 साल पुरानी मूर्ति है, 9 फीट की हाइट है, एक ही रॉक्स के ऊपर थ्री फेस है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो महादेव के आइडल है। तो मूर्ति के सामने मांडीकाल के बैठा करते थे, उनके ललाट पे तिलक लगाते थे, फिर युद्ध में जाते थे। वो लंबाई आप स्वयं सपोज कर सकते हैं क्या रही होगी। और गॉड की डेफिनेशन भी हिंदू कल्चर से निकली, जी मीन्स जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजर मीन विष्णु, डी मीन्स डिस्ट्रॉयर लाइक महेश, और महादेवा, महादेवा आज तो रिक्रिएटर है। तो ये मंदिर 1000 साल पुराना है, इसे राजा भोज ने बनाया था। आज भी देखो उदयपुर देखा ना आपने, जब उदयपुर बसाया इसकी राजधानी को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये फोर्ट खाली पड़ा रहा, बारिश के द्वारा जो मिट्टी बह गई उसे गड्ढा फिलअप हो गया। लेकिन आर्कियोलॉजी ने इसकी प्रमाणिकता जांचने के लिए इसका एक्सकवेशन करवाया तो कई मीटर राखी पाई गई, हड्डियां ऑर्नामेंटित, तब जाके इसे डिक्लेयर किया यही रियल जोर स्थल है। सो आज भी उन माताओं बहनों बच्चों के लिए जिनकी रियल लाइफ से पहले डेथ हो गई उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए यहाँ यज्ञ करते हैं। फायर पिट भी बना हुआ है गार्डन में, मार्च महीने की पहली एकादशी को, उस समय कोई ट्रैफिक किले पे नहीं आता, इतनी पब्लिक रहती है। तो इनके लिए कहते हैं जलती रही हजारों नारियां जोहर की ज्वालाओं में, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें पढ़ाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे, कि जब सच पूछा जाए तो महाराणा प्रताप से कभी फेस टू फेस फाइट नहीं किया अकबर ने, उसकी लाइफ में भी नहीं किया। अब आप यहां देखेंगे उधर ऐसा प्लेटफॉर्म है, फोटोग्राफी कर सकते हैं, आपसे आग्रह है नीचे ना जाएं, वो वाटर पॉन्ड है, जो व्यक्ति डूब जाते हैं उसके साथी क्या कहते हैं वो हमसे भी ज्यादा तैर जानता था, जो व्यक्ति यहाँ जंप नहीं कर पाए थे वो अपनी अस्मिता बचाने के लिए उसमें कूद गए, अपनी अस्मिता बचाई थी। तो आप गैस, तो जो आप सामने देख पा रहे हैं वो है कालिका माता टेम्पल चित्तौड़गढ़। गैस, तो अभी हम कालिका माता मंदिर के बैक साइड में आए हैं और यहाँ से आप देख सकते हो चित्तौड़गढ़ सिटी का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। गाइस, तो ये सीढ़ियाँ जाते हैं उस वाटर पॉइंट के लिए जो सर हमें बता रहे थे कि जो महिलाएं अग्नि जौहर में ना जा पाई वो पत्थर, अपने शरीर को पत्थर लगा के इस वाटर पॉइंट में जाना पड़ा उनको अपनी अस्मिता बचाने के लिए। गाइस, ये मंदिर की बैक साइड है। गाइस, तो ये है चित्तौड़गढ़ सिटी का व्यू फ्रॉम चित्तौड़गढ़ फोर्ट। गाइस, तो ये है जौहर स्थल, मतलब यहाँ पे बच्चे और बच्चे। गाइस, तो यही है रियल जौहर स्थल जो कि महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया था। गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, आप देख सकते हो। अगर देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे मंदिरों में, कितना नजदीक हो यहाँ पे मंदिरों के, ये देखो कैसे खा रहे। देख।
है, अंदर बंदर है, यहाँ पे एक है और वहाँ पे एक बेटा है। तो मैं देखो एक दो तीन चार पाँच, बहुत सारे बंदर है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी, यहाँ तो कितने सारे, बाप रे पूरी गैंग ही है, मैं मंकीज की पूरी टोली है यहाँ पे, देख सकते हो। चलो अभी हम उस स्तंभ की यहाँ पे चलते हैं, ये रहा स्तंभ नीचे से, और इसकी इम्पोर्टेंट स्तंभ की इम्पोर्टेंट बात बताओ तो नीचे कुछ फाउंडेशन बनाया हुआ नहीं है, वैसे ही मतलब नीचे से बड़ा, मतलब नीचे से ब्रॉड, फिर बीच में से थोड़ा शॉर्ट, फिर बीच में ब्रॉड वैसा बनाया गया, वो गाइड जी ने बताया। तो इसका कुछ फाउंडेशन नहीं है, तो वैसे ही ये खड़ा है हजारों सालों से। गाइस तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी स्तंभ के एरिया से।